हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। एंड गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, और इस वीडियो में हम हेयर को शेड करने वाले हैं एंड ट्यूटोरियल की तरह ये होने वाला है, और ये मटेरियल मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर डार्क एरिया है मैं उसको पहले कवर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत वाइट है और कम डार्क है उसको कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, देन जो हाईलाइट पार्ट होगा उसको कवर करेंगे, और फिर ये रियलिस्टिक दिखने लगेगा। मैं धीरे धीरे शेड कर रहा हूँ और अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमेशा हमें शेडिंग धीरे धीरे करनी चाहिए, उससे ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है एंड रियलिस्टिक दिखने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और जब तक शेडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक ब्लेंड भी अच्छे से नहीं होगा, और ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा तो हाईलाइट कैसे हम अच्छा कर सकेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेडिंग को सबसे पहले बेहतरीन बनाना है, उसके बाद ब्लेंड अच्छे से करना है एंड देन हाईलाइट देना, उसके बाद रियलिस्टिक लुक आता है। तो गाइस यार, फाइनली हमने हेयर को शेड कर दिया है और काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लग रहे हैं।
एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिर शेडिंग की आएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।